सुप्रभातम्। विषय संस्कृतम्, कक्षा अष्टम, प्रकरण रचना अनुवाद। संस्कृत में बोलने के लिए संस्कृत अनुवाद रचना आना आवश्यक है। तो आइए मिलकर के छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखते हैं। संस्कृत अनुवाद के लिए श्रवण, वाचन और लेखन कार्य करना आवश्यक है। श्रवण अर्थात सुनना। बचपन में केवल और केवल बालक सुनता ही है, थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर वाचन करता है और स्कूल में आ जाने पर लेखन करता है। वाक्य रचना के लिए कर्ता, क्रिया और पुरुष का होना जरूरी है। इसीलिए वाक्य रचना का प्रथम नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता किसे कहते हैं, आइए इसे जानते हैं। किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, सीता भोजन पकाती है, हम सब पढ़ते हैं। क्रिया, क्रिया कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं। राम विद्यालय जाता है, विद्यालय में जाना उसकी क्रिया है। सीता भोजन पकाती है, सीता का भोजन पकाना उसकी क्रिया है। और हम सब पढ़ते हैं, हम सब का पढ़ना क्रिया है। पुरुष, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष में सह पुरलिंग के लिए है, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए है। ही शी इट नेम यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। मध्यम पुरुष त्वम माने तुम या आप, इंग्लिश में यू। और उत्तम पुरुष में अहम अर्थात मैं और इंग्लिश में आई और वी का प्रयोग पर्सन में करते हैं। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। अन्य इंग्लिश अथवा हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, द्विवचन इसमें जुड़ जाता है। क्रिया के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, क्रिया अर्थात वर्ब, धातु। संस्कृत में धातु हर एक काल के लिए अलग अलग धातु का प्रयोग होता है, अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। तो आइए पहले हम पठ धातु, लट लकार, वर्तमान काल के बारे में अभी छोटे वाक्य की रचना करेंगे। एक तरफ ऊपर वाली लाइन में पुरुष और वचन के साथ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, जिसका रूप बनता है पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। जैसा कि पहले नियम में हमने पढ़ा कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, तो प्रथम पुरुष के साथ में क्रिया का प्रथम पुरुष यूज करेंगे, कर्ता के प्रथम पुरुष अथवा एक वचन के साथ में क्रिया का एक वचन ही यूज करेंगे। इसीलिए इस एरो को, निशान को दिखाया गया है। ध्यानपूर्वक देख करके, समझ करके वाक्य की रचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कर्ता का प्रथम पुरुष एक वचन में सह और क्रिया का प्रथम पुरुष एक वचन में है पठती, तो दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं सह पठती। ऐसे ही द्विवचन में है प्रथम पुरुष द्विवचन तौ और क्रिया का प्रथम पुरुष द्विवचन में है पठतः, तो दोनों को मिला करके बन जाएगा तौ पठतः। ऐसे ही है ते पठन्ति अर्थात वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं और ते पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष में है त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः। और उत्तम पुरुष में है अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इसी प्रकार के अन्य वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं, क्रिया चेंज करके अन्य वाक्यों की रचना करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।